हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिकल में करेंगे डायरेक्ट हीलिंग, जो हीलिंग आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो दूसरों को दे सकते हो, अपने घर परिवार के लोगों को, वही हीलिंग हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं ताकि हमें घर में प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। वैसे तो एक टाइम पे एक ही हीलिंग होती है, एक टाइम पे क्या, या तो ये चार लोग आपको हीलिंग करना है, आप चार इनको हीलिंग करो, मगर हम अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आप इनको हीलिंग करोगे, आप इनको हीलिंग करोगे, है ना। आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ बैठो वही बैठ के मेडिटेशन मैं बोलूँगा प्ले करूँगा, उस मेडिटेशन को सुनना, उसमें जो जो बोला जाए उसको फॉलो करना, जितना आप कर पाओ, हो सकता है कि 100% आप कर पाओ, हो सकता है उस मेडिटेशन बोला जाए भी उठो पीछे जाके खड़े हो जाए ऐसा करो, तो आपने वो नहीं करना, आपने यही बैठ के फोकस करना, हाँ आपने इनको देखना है, आँख बंद करके इनका ऑरा देखना है, आँख बंद करके इनको विजुलाइज करना है, फिर बोलेंगे प्रार्थना करो, इनका ऑरा क्लीन करो, विजुलाइज करो कि सारा काला धुआं निकल रहा है, बोलेंगे पीछे से ऑरा क्लीन हो रहा है, तो आप विजुलाइज करो ये उल्टे बैठ के जैसे, है ना, या आप विजुलाइज करो आप इनके पीछे चले गए, आप पीछे से करो, है ना। इस तरह से आप लोगों ने इनके साथ वो प्रैक्टिस करना, इन्होंने आपके साथ करना बैठे बैठे। फिर बाद में बात आएगी रेकी हीलिंग करने की, बैठे बैठे हीलिंग करो, देखो आपके हाथों से एनर्जी जा रही है, वो बोलेंगे यहाँ जा रही है तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ। आपको मैं कुछ सेकंड देता हूँ, आप लोग एक दूसरे का नाम पूछ सकते हो या एक दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हो कि कहीं किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलेगा तो उस पार्ट पर आप ज़्यादा हीलिंग दोगे, ठीक है। पूछ लो एक दूसरे का नाम, सारा ध्यान मेडिटेशन पर, चिंता क्यों करता है, सारा ध्यान मेडिटेशन पे, जो बोला जाए उसको ध्यान से फॉलो करेंगे, बस डायरेक्ट हीलिंग मेडिटेशन। आप जिस भी साथी की हीलिंग करना चाहते हैं उसके सामने खड़े हो जाएं, अपने साथी का नाम पूछें व उसकी कोई परेशानी है तो पूछें, कोई बीमारी, अपने साथी से कहें आंख बंद करके रिलैक्स होके या तो कुर्सी पर बैठ जाएं या उनको सीधा खड़ा करें, अपने साथी से कहें सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें, हर जाती हुई सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने ईश्वर का जो भी मंत्र सुमरण है वो बोलें, और इस उपचार को लेने के लिए समर्पण के साथ तैयार हो, अपने साथी से कहें कि वो महसूस करे कि उसके आसपास की जो भी हैवीनेस है, उसका दर्द, पेन, परेशानी सब बाहर निकल रहा है, और उपचार के दौरान महसूस करे कि वो पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में ले रहा है। अपने साथी को कहें आंख बंद करें, आप भी आंख बंद करके अपने साथी से कुछ कदम दूर होकर खड़े हो जाएं, और अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने दोनों हाथों को रब करें, हाथों को रब करें, हाथों को रगड़ने से आपके हाथों के टकराव एक्टिवेट हो जाते हैं, आप चाहें तो अपने हाथों पर कोई भी सिंबल बना के अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं,
आप सिंबल बना के अपने हाथों को और शक्तिशाली भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को खोलें, अपने हाथों को खोल के रेम की शक्ति का वाहन करो। हे दिव्य रेम की शक्ति, उपचार करने वाली ऊर्जा, रेम की माँ, मेरे हाथों में आओ। मेरे हाथों के माध्यम से मेरे साथी का आरा बॉडी चक्रा क्लीन करो और मेरे साथी का उपचार करो। मन ही मन अपने ईश्वर अपने परमात्मा का नाम लो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस डायरेक्ट हीलिंग सेशन के लिए मेरे साथ आओ, मुझे मदद करो। मन ही मन अपने गुरुओं को याद करो, अपने रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओ सिंह जी को याद करो, उनसे मदद मांगो। अपने रेकी गुरु जिन्होंने भी आपको रेकी सिखाई है या रेकी से जोड़ा है, आपके रेकी मास्टर, उनसे प्रार्थना करो कि इस उपचार में मेरे साथ रहो, मुझे मदद करो, मुझे गाइड करो। बंद आंखों से अपने साथी की तरफ ध्यान भेजो, अपने साथी को विजुलाइज करो। अपने साथी को सामने देखो, देखो उनका ऑरा विजुलाइज करो, अपने साथी का ऑरा बॉडी चक्रा देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे वो इंसान सामने खड़ा है और इंसान के शरीर के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आभा मंडल ऑरा, उस ऑरा में कुछ काला काला धब्बा है, कुछ हैवीनेस है, कुछ उस इंसान के दुख दर्द परेशानियां उसके ऑरा में आपको दिखाई दे रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उस इंसान के ऑरा से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, अपने हाथों का कप बनाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे कि आपके साथी के ऑरा में जो भी गंदगी है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी पेन तकलीफ है, वो सारी गंदगी आपके हाथों के साथ उसके ऑरा से बाहर नीचे की तरफ आ गई। आपके साथी का ऑरा क्लीन हो रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और नीचे धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे और इस सारी गंदगी को सारे काले धुएं को उठाएंगे और नमक वाले पानी में या नमक में फेंक देंगे या इस नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में फेंक देंगे और कहेंगे ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। इसी प्रकार दोबारा अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऑरा के ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे महसूस करते हुए कोई भी जो हैप्पीनेस बची है उनके ऑरा में, उस हैप्पीनेस को धीरे धीरे खींचते हुए नीचे ले आएंगे, धीरे धीरे और नीचे ले आएंगे, उस हैप्पीनेस को पकड़ के और अपनी गंदगी को पकड़ के धीरे धीरे नीचे ले आएंगे पैरों का, धीरे धीरे नीचे पैरों का और सारी गंदगी को पकड़ेंगे, उठा के उस गंदगी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे,
ब्रह्मांड जाकर समाप्त हो जाए। उसके बाद एक बार फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अब जो भी लास्ट में बची हुई नेगेटिव एनर्जी वहाँ जो भी हैप्पीनेस थोड़ी बहुत बची है उस नेगेटिव एनर्जी को भी निकाल देंगे सामने से। धीरे धीरे अपने हाथों को उसके ऑरा से गुजारते हुए ऑरा में जो भी काला धुआं बचा है, जो भी गंदगी, जो भी हैवीनेस, जो भी दर्द बचा है उसको धीरे धीरे महसूस करते हुए, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे उसको पकड़ के और नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे, पैरों तक, और सारी नेगेटिव एनर्जी को उठा के खींच लेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे और उसको कहेंगे ब्रह्मांड जाकर समाप्त हो जाए। इसी तरह उस इंसान के साइड से उसका ऑरा क्लीन करेंगे, कंधों की साइड से देखेंगे आपके हाथ उसके सर के ऊपर है और सारी नेगेटिव एनर्जी को आप अपने हाथों से खींच के नीचे की तरफ लाकर कंधे की तरफ धीरे धीरे कंधों से भी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए कंधों का ऑरा क्लीन करते हुए बाजू की तरफ धीरे धीरे साइड से पूरा ऑरा क्लीन करते हुए धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे सारी नेगेटिव एनर्जी अपने हाथों के द्वारा खींचते हुए उस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे तक ले आएंगे, नीचे तक, नीचे पैरों तक ले आएंगे, सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे साइड से, दोनों हाथ सर से थोड़ा और ऊपर कंधों की तरफ, धीरे धीरे विजुलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, फील करते हुए ऑरा क्लीन करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऑरा से गुजारते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आएंगे। धीरे धीरे कंधों से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए बाजुओं से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए ऑरा को अच्छी तरह क्लीन करते हुए पैरों तक लेके जाएंगे और उसके बाद सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारी प्रॉब्लम्स को उठा के फेंक देंगे, समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार तीसरी बार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे और अच्छे से लास्ट जो भी हैडनेस बची है इस बार में सारी हैडनेस खींच लेंगे, दोनों हाथ ऊपर सर के ऊपर धीरे धीरे महसूस करते हुए आराम से हाथ गुजारेंगे। जो भी बची कुछी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को महसूस करते हुए, विजुलाइज करते हुए उस सारी हैवीनेस को नीचे की तरफ लाएंगे, धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे, धीरे धीरे सारी नेगेटिव एनर्जी को और नीचे तक लेके आएंगे और नीचे और सारी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार अब अपने साथी की पीठ को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे पीठ और पीठ को क्लीन करें दोनों हाथ सर के ऊपर और फील करते हुए विजुलाइज करते हुए महसूस करते हुए सारी गंदगी को सर के पीछे की तरफ पीठ से सारे ऑरा को क्लीन करते हुए, क्लीन करते हुए सारी गंदगी को नीचे की तरफ लाएंगे, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे सारी गंदगी को नीचे पैरों की तरफ लाएंगे और सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार दोबारा से दोनों हाथों को सर के ऊपर
दोनों हाथों को महसूस करेंगे और आप जो भी हैवीनेस है वो गंदगी हैवीनेस हाथों के माध्यम से नीचे आ रही है और आप क्लीन हो रहा है और आप शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे लेके आएंगे और आपको क्लीन करेंगे, सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे लेके आएंगे और नीचे और नीचे और नीचे और सारी गंदगी को नीचे खींचते हुए नीचे पैरों पर लाएंगे और उस गंदगी को फेंक देंगे स्मार्ट हो जाए। तीसरी बार फिर बैक साइड का आरा क्लीन करेंगे अच्छी तरह, जो भी बची कुछ गंदगी है उसको खींच लेंगे। दोबारा से दोनों हाथ सर के ऊपर अपने हाथों को नीचे लाते हुए महसूस करेंगे सारी गंदगी, सारी हैवीनेस, सारा काला धुआं, सारा दुख दर्द परेशानी आप अपने हाथों के माध्यम से बाहर निकाल लो उस गंदगी को और अच्छे से और क्लीन और शुद्ध और प्यूरिफाई सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे ले जाओ अपने हाथों को, खींचते हुए सारी हैवीनेस को बाहर निकाल लो और धीरे 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 बॉडी से बाहर सारी ऊर्जा खत्म हो जाए। इसी तरह लास्ट साइड से क्लीन करेंगे, दूसरे कंधे की तरफ से ऑरा क्लीन करेंगे, देखेंगे उस कंधे को और अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, महसूस करेंगे और आपकी जो भी हैवीनेस बची है उस सारी हैवीनेस को उस बॉडी पार्ट को अच्छे से आप क्लीन कर दो। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हो, धीरे धीरे नीचे और सारी गंदगी को निकालते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाओ, पूरे कंधे को भावों को क्लीन करते हुए सारा हालत को आपके हाथों के साथ नीचे आ रहा है और नीचे अच्छे से क्लीन कर दो उस बॉडी पार्ट को साइड को तो सारी गंदगी को समाप्त हो जाए। दोबारा से क्लीन करेंगे दोनों हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथों को महसूस करते हुए ऑरा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ऑरा में जो भी गंदगी है जो भी हैवीनेस है उस हैवीनेस को नीचे की तरफ खींचेंगे, धीरे धीरे वो हैवीनेस नीचे आ रही है और नीचे आ रही है और नीचे सारे दुख दर्द परेशानी को उस काले धुएं के रूप में देखेंगे, उस काले धुएं को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ऑरा से बाहर निकाल देंगे, सारी गंदगी को खींच लेंगे धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे बाहर सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। लास्ट तीसरी बार ऑरा क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर और हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे बची बची जो भी हैवीनेस है जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारा और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों के माध्यम से इनके ऑरा से निकलती जा रही है, ऑरा क्लीन होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, प्यूरीफाई होता जा रहा है, सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है, आपके हाथों में आती जा रही है, इनका ऑरा क्लीन हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे नीचे खींचते जाओ और नीचे खींचते जाओ और नीचे खींचते जाओ और सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के समाप्त कर दो। आपने बॉडी के चारों तरफ से कपिंग के माध्यम से ऑरा क्लीन किया है। अगर आपको समस्या ज़्यादा लगती है और ज़्यादा हैवी लगता है तो आप कॉबिंग के माध्यम से खुरच खुरच के भी सारी गंदगी को निकाल सकते हैं। अब हम चक्रास को क्लीन करेंगे। चक्रास को क्लीन करने के लिए जो भी सिंबल्स आपको आते हैं वो क्राउन चक्रा पे बनाए अपने साथी के, अपने सामने साथी के क्राउन चक्रा पे सिंबल बनाए, सिंबल बना के कहें शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अपने हाथ को उनकी क्राउन चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फीलिंग करें जैसे उस चक्रा की सारी हैवीनेस सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ रही है। वैक्यूम की तरह आपका हाथ सारी गंदगी को खींच रहा है,
प्रिवेंटिंग क्लॉकवाइज घुमाते हुए साथ ही नेगेटिव एज को खींच के समाप्त कर दो, समाप्त हो। इसी प्रकार आज्ञा चक्र पर सिंबल बनाएंगे, जो भी सिंबल आपको याद है आता है सिंबल को बनाया आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पर सिंबल बना के एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं, सारी गंदगी को महसूस करें वो आपके हाथ में आती जा रही है, सारी गंदगी को खींच ले, खींच के फैट में समाप्त हो जाए। इसी प्रकार क्रॉस चक्र आपको क्लीन करेंगे, क्रॉस चक्र पर सिंबल बनाएंगे, सिंबल बना के थ्रॉट चक्र को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, महसूस करेंगे थ्रॉट चक्र में जो भी हैवीनेस है, जो भी गंदगी है वो निकल के आपके हाथ में आ रही है, थ्रॉट चक्र बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, क्लीन हो रहा है, सारी गंदगी को खींच के निकाल ले और फैन मार में जा रहा। इसी प्रकार हृदय चक्र हार्ट चक्र पे सिंबल बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाएं, महसूस करें सारी गंदगी, सारी हैवीनेस आपके हाथ में आ रही है, आप सारी हैवीनेस को अपने हाथ में खींच पा रहे हो, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार मणिपुर चक्र नाभि से दो उंगली ऊपर सिंबल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सारी गंदगी को खींच लेंगे, बेडरूम की तरह महसूस करेंगे, सारी गंदगी आपके हाथ में आती जा रही है और सारी गंदगी आपके हाथ में आके उनका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, चक्र हल्का होता जा रहा है, सारी गंदगी को उठा के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र भावे से दो उंगली नीचे, इस चक्र पे भी सिंबल बनाएंगे, अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए महसूस करेंगे सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी हैप्पीनेस आप अपने हाथों से खींच रहे हैं और ये हैप्पीनेस आपके हाथों में आ रही है और चक्रास की सारी हैप्पीनेस आपके हाथों में आ रही है और ये हैप्पीनेस को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार रूप चक्र आपने सिंबल बनाएंगे, रूट चक्र को क्लीन करेंगे, एंटी क्लॉक पर सारी हैवीनेस को खींच लेंगे, सारी हैवीनेस को खींच के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। अब अपने हाथों को भी सिंबल बना के क्लीन चार्ज करना चाहें तो एक बार क्लीन चार्ज कर सकते हैं और अब चक्रास को चार्ज करेंगे, अपने रूट चक्र पर सिंबल बनाएंगे, जो सा भी सिंबल आपको आता है उस सिंबल को बनाएंगे, अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके हाथों से एक पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके रूट चक्र पे जा रही है, आपके हाथों से एक पॉजिटिव एनर्जी रूट चक्र पे जा रही है, आपके साथी का रूट चक्र बिल्कुल चार्ज शक्तिशाली होता जा रहा है, सारी ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र पे आएंगे, नाभि से दो उंगली नीचे यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके साथी का स्वाधिष्ठान चक्र चार्ज हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, आपके हाथों से सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के स्वाधिष्ठान चक्र पे जा रहा है। ऐसी मणिपुर चक्र पर सिंबल बनाएंगे, सिंबल बना के हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए मणिपुर चक्र को गोल गोल घुमाएंगे, सारी पॉजिटिव एनर्जी को मणिपुर चक्र पे जाते हुए देखेंगे, मणिपुर चक्र चार्ज हो रहा, हेल्दी हो रहा, बैलेंस हो रहा, सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। इसी प्रकार हार्ट चक्र पे आएंगे, हार्ट चक्र पे सिंबल बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए देखेंगे हाथ से पॉजिटिव एनर्जी हार्ट चक्र पे जा रही, हार्ट चक्र इस ऊर्जा से
शक्तिशाली हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, सारी पॉजिटिव ऊर्जा पर यहीं पर स्थापित हो जाएगी। थ्रॉट चक्र आप सिंबल बनाएंगे, सिंबल बनाने के बाद हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, महसूस करेंगे आपके हाथ से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है वो थ्रॉट चक्र पे जाकर उसको चार्ज कर, हील कर, बैलेंस कर, सारी ऊर्जा को स्थापित कर। आगे चक्र पे सिंबल बनाएंगे, हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखेंगे हाथों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आज्ञा चक्र पे जा रही, आज्ञा चक्र और हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। इसी प्रकार क्राउन चक्र पे सिंबल बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्राउन चक्र को और चार्ज करेंगे, हेल्दी करेंगे, बैलेंस करेंगे, नॉर्मल करेंगे, सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित करेंगे। सातों चक्र को पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद अब शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, देखेंगे आपके हाथों के सामने आपका साथी है, आपके साथी का चेहरा, उनकी आंखें, देखेंगे आपके दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी उनकी दोनों आंखों में जा रही है, आपके हाथों से वाइट कलर की पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके साथी के दोनों आंखों में जा रही है, उनकी दोनों आंखें इस वाइट रोशनी से हेल्दी होती जा रही है, ये पॉजिटिव रोशनी उनकी आंखों के अंदर तक नसों नाड़ियों तक जा रही है, उनकी दोनों आंखें हेल्दी हो रही पॉजिटिव। आप कोई भी सिंबल बनाना चाहते हैं अपने हाथों से, थर्ड आई से या विजुलाइजेशन से आप उनके शरीर पे बना सकते हैं, उनके शरीर पे किसी भी भाग में बना सकते हैं। अपने सीधे हाथ को उनके कान की तरफ जाएंगे, उल्टे हाथ को दूसरे कान की तरफ, अपने दोनों हाथों से वाइट पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथी के कानों में जाता हुआ महसूस करेंगे। आपके हाथों से निकलने वाली रोशनी आपके साथी के दोनों कानों में जाती जा रही है, आपके साथी के दोनों कान बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने साथी के ब्रेन दिमाग की तरफ ले आएंगे, देखेंगे आपके हाथों के सामने आपके साथी का दिमाग है, अपने साथी के दिमाग को हील करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कोई भी आप सिंबल बनाना चाहें दिमाग पे बना सकते हैं, देखेंगे आपके हाथों से वाइट चमकदार पॉजिटिव रोशनी आपके साथी के दिमाग में जा रही है, इस रोशनी से आपका साथी और ज़्यादा हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। महसूस करेंगे ये रेखी ऊर्जा आपके साथी के शरीर में कहाँ पर सबसे ज़्यादा जा रही है, कहाँ सबसे कम जा रही है, किस प्रकार की ऊर्जा जा रही है, ध्यान रखेंगे। अपने दोनों हाथ अपने साथी के हार्ट चक्र पर ले आएंगे, अपने साथी के हार्ट चक्र को हील करेंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हील करेंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को हील करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से पिंक कलर की पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आपके साथी के हार्ट पे जा रही है, हार्ट चक्र पे जा रही है, साथी के बिल्कुल बीच, और हार्ट चक्र हील होता जा रहा है, आपके साथी के इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम इस पिंक लाइट से हील होती जा रही है, वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। कोई भी सिंबल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी प्रकार जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं
आप उनकी भी हीलिंग कर सकते हैं वन बाय वन, या आप अब अपने साथी के लोकल पार्ट को हील कर सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है। अपने सामने महसूस करें उस पार्ट को, आपके साथी का शरीर का वो भाग जहाँ उनको सबसे ज़्यादा दर्द या कोई भी प्रॉब्लम है, अपने हाथ को वहाँ रखेंगे, अपने हाथों से पॉजिटिव एनर्जी को निकलता हुआ देखेंगे, अपने साथी के उस भाग को हील करें, देखेंगे आपके हाथों से पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के शरीर में वहाँ जाती जा रही है। आपके साथी के शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, देखो वो काले धुएं के रूप में वहाँ से बाहर निकलती जा रही है। तो उसके शरीर में धीरे धीरे वाइट कलर की रेगी ऊर्जा, पावरफुल एनर्जी पूरे शरीर में भरती जा रही है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। आप अपने हाथों से, अपनी थर्ड आई से या कल्पना से अपने साथी के पॉजिटिव सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। उन सिंबल्स की मदद से आपका साथी और जल्दी ही होता जा रहा है और हेल्दी होता जा रहा है। अपने साथी के लोकल पार्ट को अच्छी तरह हील करेंगे, सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ भर देंगे। इसके बाद आप अपने साथी को जहाँ भी हीलिंग करना चाहें, फुल बॉडी हीलिंग करना चाहें, 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग करना चाहें, 7 चक्रा हीलिंग करना आप कर सकते हैं, या आप सारी ऊर्जा को यहीं पर स्थापित कर सकते हैं। सारी ऊर्जा को स्थापित करने के लिए मन ही मन कहेंगे, हे दिव्य रेखी ऊर्जा, हे दिव्य रेखी शक्ति, रेखी माता, मेरे साथी के शरीर में यही स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ, और मेरे साथी को हील करो। इसको यही रहते आप मेरे साथी को तन मन धन से हील करो, बैलेंस करो, पॉजिटिव करो। सारी ऊर्जा को वही स्थापित कर देंगे। अपने साथी को एक पावरफुल पिरामिड के अंदर, एक पावरफुल सुरक्षा कवच के अंदर डालेंगे, देखेंगे कि आपका साथी एक शक्तिशाली बहुत सुंदर पिरामिड के अंदर है, और कहेंगे इस पिरामिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सिंबल्स हैं। इस पिरामिड के अंदर एंजल्स हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, मेरे साथी की रक्षा करें। उस पिरामिड के ऊपर भी आपको सिंबल बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। आप उस पिरामिड के ऊपर आप किसी भगवान को, देवी देवता को बिठाना चाहें, बिठा सकते हैं अपने साथी की रक्षा के लिए। अपना कनेक्शन कट करेंगे नाभि से अपने साथी के साथ, कनेक्शन कट हो, कट हो, कट हो, दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़कर रेखी शक्ति का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य रेखी शक्ति, आप मेरे पास है, मेरे हाथों में है, मेरे द्वारा आपने मेरे साथी को उपचार किया, हील किया, स्वस्थ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे द्वारा मुझे मदद करके आपने मेरे साथी का उपचार किया, उसको हील किया, मुझे गाइड किया आपका धन्यवाद। अपने समस्त गुरु और गाइडेंस को याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मेरे द्वारा मेरे साथी को हील करने। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, मेरे दो हाथों का धन्यवाद, मेरे शरीर का धन्यवाद, मुझे हीलिंग में मदद करने वाली हर चीज़ का धन्यवाद। जहाँ से भी मैं रेंकी तक पहुँचा, मैं जैसे भी रेंकी तक जुड़ा, जिसने भी मुझे रेंकी सिखाई, मुझे रेंकी करने वाली हर चीज़ का धन्यवाद। मेरे आसपास जिन भी चीज़ों ने आज मुझे मदद की इस उपचार को करने के लिए, उस हर चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू मेरे साथी का, मेरे साथी का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, तमाम गुरु गॉड गाइडेंस, रेंकी शक्ति, धन्यवाद।